हाय फ्रेंड्स, माय ओडिया अपडेट्स चैनल को आपण मानको स्वागत। मुझे आज कह आपको सीआईएसएफ फायरविंग यूनिट बा सीआईएसएफ रो फायरमैन कनिस्टेबल बर्तन आप रिक्रुटमेंट प्रोसेस आई आपर ट्रेनिंग किपर रही है, सिलेक्शन प्रोसेस किपर, प्रमोशन और आपणकर जॉब प्रोफाइल किपर रही है, आपंकर पोस्टिंग कौ जगह रही है, संपूर्ण डिटेल्स ये भिडियो मध्यम मुझे कहि भिडियो टी आरंभ शेष पर्यटन देखते जहाँफल कि आपने संपूर्ण डिटेल्स पारे। प्रथम जाना सीआईएसएफ रो आपर फायरविंग कौन, सीआईएसएफ यूनिट जो भी आपंकर रही है, सीआईएसएफ फायरविंग यूनिट से रही है। सीआईएसएफ जो फायरविंग यूनिट रोचे सीआईएसएफ रहा स्पेशल विंग रोचे ये आपर सीआईएसएफ फायरविंग बोली क्या जाए। ठीक है, एसएससी जीडी बा एसएससी जीडी जरिया आपर सिलेक्शन होता है सीआईएसएफ रे, से हीपरी आपर सीआईएसएफ आपर डायरेक्ट रिक्रुटमेंट होता है। सीआईएसएफ जो आपर फायरमैन कनेस्टेबल रोचे ये आपर सीआईएसएफ यूनिट आपर एक स्पेशल विंग रही है, आप जानपारे। तो नेक्स्ट आपर जो सिलेक्शन प्रोसेस किपर होता है, सिलेक्शन प्रोसेस देखते ये आपर केवल साइंस पिला ही यहाँ अप्लाई करेंगे और प्लस टू पास करवा आवश्यक। ठीक अच्छे, एवं आर्ट्स साइंस सॉरी आर्ट्स कॉमर्स पिला यहाँ अप्लाई करेंगे नहीं, जो माने कि साइंस पास कर प्लस टू से माने यहाँ अप्लाई करेंगे। साइंस पिला बहुत बड़ा खुशी खबर, जो माने कि साइंस पिला रही जो माने कि अप्लाई करेंगे जो माने कि इच्छुक रही सीआईएसएफ फायरविंग में जीवा से माने यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट आपर जा तो आपंकर जो सिलेक्शन प्रोसेस किपर रही, सिलेक्शन प्रोसेस आपर एस एस सी जी डी कनेस्टेबल जीपर आपर 5 किलोमीटर को 24 मिनिट आपको क्रस करा पड़ता है। ठीक से हीपरी एटारे 5 किलोमीटर को 24 मिनिट क्रस करा पड़ता है, ना आपने डिस्क्वालीफाइड हो जाए, यहाँ पर रिटर्न एग्जाम र। ठीक अच्छे, तो सिलेक्शन प्रोसेस ये आपर रही है, मुझे अति सक्षेप कहीदे अति सर्टली कहीदे। नेक्स्ट आपर कौन रही, सिलेक्शन है ट्रेनिंग रही है, ट्रेनिंग आपर 9 मसिया ट्रेनिंग भी आपर 1 ईयरली ट्रेनिंग ट्रेनिंग ने पड़ी था। ठीक अच्छे, 1 ईयर ट्रेनिंग ने पड़ता है, जो ट्रेनिंग आपर ये ट्रेनिंग आपर जो ओडिशा आपर मुंडली रही है, आपर 3 मसिया आप बेसिक ट्रेनिंग होता है, आपको ट्रेनिंग 3 मास कम्प्लीट हो सारापर आपर आडभांस ट्रेनिंग आपको पठा जाए। आडभांस ट्रेनिंग आपर निशा हायद्राबाद रही, निशा कौन निशा माने आप निशा माने थे आपर चंदन निशा नुह, निशा है नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जो आपर एकाडेमी रही, निशा निशा जो रही आपर हैदराबाद ठारे ये आपर ट्रेनिंग कम्प्लीटली 9 मास होता है, 9 मास आपर ट्रेनिंग आडभांस ट्रेनिंग सेठार होता है। तो 3 मास आपर मुंडली ठारे 3 मास बेसिक कोर्स रही है, और आडभांस ट्रेनिंग आपको निशा पठा जाए। निशा कौन आप बुझीपारे, निशा है नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकाडेमी जो रही आपर हैदराबाद ठारे ये आपको आडभांस ट्रेनिंग पढ़ा जाए। आडभांस टेक्निकल आडभांस टेक्निशियन आडभांस जो आपर मेसीन गुड़ाक आसगल से सब विषय में आपको आडभांस ट्रेनिंग पठा जाए। तो नेक्स्ट आम देखा एर नेक्स्ट आपर देखा पोस्टिंग कौ जगार होता है। ठीक अच्छे, पोस्टिंग कौन आपर देखो ये आपर ऑल इंडिया जॉब रही, तो आपर भारत जेको स्थान आपर पोस्टिंग होता है। तो सरकार समस्त प्रकार उद्योग हो, इंडस्ट्रियल हो, सी पोर्ट हो, आपर विमान बंदर हो, जेको स्थान आपर पोस्टिंग होता है। तो आप देखते प्रत्येक स्टेट आपर सरकार उद्योग रोचे, से ओडिशा देखिए ओडिशा आपर विमान बंदर भुवनेश्वर ठार रोचे, से आपर राउरकेला स्टील प्लांट रोचे, तो आपर पारादीप बंदर मध्य जहाँ जहाँ आपर सरकार जो आपर उद्योग जो रोचे सरकार जो इंडस्ट्रियल रोचे से जगह आपर एटे पोस्टिंग रही है। जो आपर जो जगह सीआईएसएफ यूनिट रही से जगार आपर जो फायर विंग को डिप्लॉय कर ये आप जापारे। तो आपणकर जो पोस्टिंग कौ जगार रही है ये आपर ऑल इंडिया पोस्टिंग रही है। नेक्स्ट आम जानवा यूनिफॉर्म किपरी रही है, तो यूनिफॉर्म देखो आप सेम टू सेम आप सीआईएसएफ जीपर यूनिफॉर्म से मैंने पिंधि था, ठीक से हीपर ही आपर सीआईएसएफ फायरविंग यूनिफॉर्म रही है, देखा प्राय एकापरी सेम यूनिफॉर्म ही रही है। नेक्स्ट आम जानवा आपणकर सैलरी केते मिलता है, तो आपर सैलरी देखि नि आपर एस एस सी जी डी कनेस्टेबल जहाँ सैलरी रही सीआईएसएफ फायरविंग से ही सैलरी ही रही है। देखो प्रथम आप सैलरी आरंभ हो 21,700, जदि आपर सैलरी 21,700 आरंभ है तेल आपर डीए रही सरकार तरफ बर्तमान डीए 31% रही, सहित आपर एलाउंसेंस मिल एचआरए मिल समस्त प्रकार एलाउंसेंस मिलवा सहित आपर रिस्क एलाउंसेंस मिलता है।
तो आपणकर अप्रोक्सीमेटली सैलरी प्रथम सैलरी आपणकर जॉइन कलाबरे आपण माने 36 रो अबव सैलरी आपण माने पाई परबे। तो बहुत बहुत भल सैलरी रहउछि जो माने कि एई जॉब पै इच्छुक रहिछन्ति तो आपण भल भाबे प्रिपरेशन करंतु ठीक अछि। तो या बे थिला आपणकर सैलरी विषय रे नेक्स्ट आमे जिबा आपणकर प्रमोशन विषय रे ठीक अछि। तो एथिरे आपणकर देखंतु प्रमोशन किपर रहैथै एथिरे आपणकर जल्दी प्रमोशन रहैथै काहे कि ना ई आपणकर सीआईएसएफ रो स्पेशल विंग रहउछि फायर विंग एथिरे आपणकर बहुत कम संख्या रे आपणकर रिक्रुटमेंट रही था है। तो एथिरे आपणकर प्रमोशन जल्दी जल्दी होता है। देखो एथिरे आपणकर देखो यदि गोटे व्यक्ति आपणकर कनेस्टेबल रिक्रुटमेंट हेले ताहाले से आपणकर इन्स्पेक्टर पर्यंत जाई पारिबे ये आपने जापारे पारे कहीं आप देखते ये आपंकर छोट विंग जेहेतु ये आपंकर डिपार्टमेंटली एग्जाम दे कि पास कर नेक्स्ट प्रमोशन को ना ये आपंकर ना से सुविधा ना केवल आपंकर वन बाय वन जो आपंकर वैकेंसी वाइज सीनियर वाइज ये आपंकर प्रमोशन होता है। आपंकर कौन से डिपार्टमेंटली एग्जाम दे पास होगा ये सब एपर किसी ना। तो ये आपने डायरेक्टली जो आप सीनियर होपर वैकेंसी आसो वन बाय वन आप प्रमोशन आसो ठीक अच्छे। आपने प्रमोशन विषय जापारे नेक्स्ट आम जाना होम जोन और आउटर जोन ठीक अच्छे। होम जोन कौन और आउटर जोन कौन जेपर आप एस एस सी जी डी आप देखो मैक्सीम 7 वर्ष 8 वर्ष आप एक्सपीरियंस हो गला ठीक अच्छे। आपर निजर होम होम जोन को आसपारे होम जोन जो आप स्टेट रोज से स्टेट आप पोस्टिंग होपारे ठीक से हीपर एटारे आपंकर से सब सुविधा रही है। आपण मैंने चाहिए आपने निजर होम 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 राज्य को आम कौन होम जोन को आसपारे एग्जाम्पल आपड़ बिलंगस कर रिक्रुटमेंट होगले आपंकर प्रथम ट्रेनिंग नाला आप प्रथम पोस्टिंग रहा आप गोवे जदि रहा ये आप 4 वर्ष कम्प्लीट कले नेक्स्ट आपंकर पोस्टिंग दिल्ली में रहा दिल्ली में 4 वर्ष कम्प्लीट कर सारे तो टोटाली आप 8 वर्ष कम्प्लीट हो सारा आपड़ जब चाहती कि मोर निज निज राज्य को जवाक मुझे चाहूँगी तेल आपज राज्य आपंकर जो फायर विंग यूनिट को आपने आसपारे आपटे आप पोस्टिंग पारे ये आप 4 वर्ष रही है। तो आपंकर चाकरी काल विषय थे आपंक सुजोग दि जाए यहपर आप निज राज्य को आसपारे आपने जापारे। तो आपंकर होम जोन कौन और आउटर जोन कौन एवं नेक्स्ट जाना आम आपंकर ड्यूटी किपर रही है। तो ड्यूटी आपंकर पूरा नॉर्मल रही है ठीक अच्छे। तो आपंकर ड्यूटी विषय जब जाना ड्यूटी ये आप संपूर्ण रूपे नॉर्मल रही है जेहेतु आप सीआईएसएफ फायर विंग ए देखो सीआईएसएफ जो रोचे से आपंकर देखो राइफल दि जाए। तो देखो आप राइफल लगेगा तो आपंकर ड्यूटी टी कड़ा होता है आपंकर संपूर्ण रूपे आपंकर अधिक रु अधिक रिस्क रही है जेहेतु आप फायर विंग आप कौन सी राइफल इश्यू कराए ना आप नॉर्मल ही रही पड़ता है और आपंकर अलर्ट रहा पड़ी था। देखो संपूर्ण आपण समस्त समय आपको आलर्ट रहा पड़ता है और आपणकर जो रही जो समय आपको ड्यूटी करवाक पड़ता है से समय ड्यूटी कर अदरवाइज आप समय आपको आराम रेस्ट कर रहा पड़ता है। तो एक भल जब रोचे भल अपॉर्चुनिटी भी रोचे और सीआईएसएफ जपर आप सीआईएसएफ मैंने जपर अधिक घंटा परिश्रम कर 10-12 घंटा सेपर नुह ए आपको प्रॉपर्ली रेस्ट मिलता है और प्रॉपर्ली आप ड्यूटी टाइम आपने ड्यूटी करेंगे। तो ये आपको जेहतु आप फायर विंग रोचे प्रत्येक इंडस्ट्रियल सिक्यूरीटी फायर विंग में आपण जो निया लग जाए जेको आकस्मिक परिस्थित आपको तत्काल हैंडल जो कर सीआईएसएफ फायर विंग को डक जाए से तो ये आपंकर संपूर्ण रूपे साय कर। तो यह आपको भल जब रही आप जापारे नेक्स्ट आप जाना जो मैंने कि जब करने चाहते तो आपंकर जो छुट्टी रोचे केत छुट्टी रोचे तो यह मतलब जाना निहाती जरूरी छुट्टी आपंकर सीआईएसएफ फायर विंग आप देखो छुट्टी एस एस सी जी डी जहाँ जपुर छुट्टी रोचे सीआईएसएफ रेपर आप फायर विंग में ठीक से हीपरी छुट्टी ही रोचे छुट्टी आप सेम टू सेम रोचे टोटाली ओवरअली सेम टू सेम रोचे। तो आपंकर सैलरी बहुत भल रोचे और एलाउंस रोचे। तो आपंकर जो मैंने कि जॉब पे इच्छुक जो मैंने कि प्लस टू साइंस पढ़ी से जॉब को अप्लाई करूँ
ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯେଉଁ CISF ର ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରି ହେଉ, ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉ, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂ କିପରି ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ, ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣିଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, SSC ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର SSC GD କନେଷ୍ଟେବଲ୍ର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଁ ରହିଛି। ଏବଂ CISF ର ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ହେବ, ଫିଜିକାଲ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ରିଟର୍ନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇସାରିଥିବେ। ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି କି ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇସାରିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍, ସାଲାରି ଅପଡ଼େଟ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡିଫେନ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ପୁଣି ଆସିବା ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।